हेलो, माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया ट्रेलर जो रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे, इसका नाम है कर्स्ट, जिसमें कैथरीन लैंगफोर्ड स्टार करती हैं, जो 13 रीजंस व्हाई की लीड एक्ट्रेस थी एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस ऑफ हॉलीवुड राइट नाउ। एंड लेट्स वॉच द ट्रेलर फर्स्ट एंड देन वील डिस्कस इट। They took everything from us. Because magic runs through us. Our mission is the extinction of magic. This is war. And in war, there can be no mercy. We can end them. Mother? There is something you must do. Take this to Merlin. I promised her. Arthur. I will keep that promise. That's what the sword took from him. Even more reason to reclaim it. The sword is cursed and will corrupt all who wield it. This is the kind of sword that gets you noticed. Who knows about this? Hold that sword and lead. Lead them where? To more slaughter? You are not some fragile maid. You are a warrior. This is our only chance at survival. So this is our only chance of survival. So that was one dialogue that has not been used before. Oh, that is sarcasm. Ye dialogue itni baar use ho chuka hai, that is our only chance of survival. Like there is only one thing that you need to survive on some battlefield. So basically, agar aap isko dekho to ye Lord of the Rings se inspired lag raha hai thoda sa. Matlab ki wo ek sword hai which is going to be changing the destiny of the entire world. और वो लड़की को मिलता है, लड़की इज़ द चूजन वन, अगेन इन द सेम स्टोरी। एंड जो लुक्स हैं, जो कई जगह लुक्स ऐसा आता है जैसा कि आपने हैरी पॉटर में थर्ड फिल्म में या फोर्थ फिल्म में देखा होगा, वैसे लुक्स हैं जो हाई ग्राफिक्स वाले हैं। और अगर आपने ज़ेना द वॉरियर प्रिंसेस देखा हो तो अगेन उसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उससे थोड़े थोड़े मैच करते हैं। बेसिकली फ्रैंक मिलर जो कि बहुत बड़े इलस्ट्रेटर हैं हॉलीवुड के, जिनकी बहुत सारी फिल्मों पर जिनकी बहुत सारी स्टोरीज पर फिल्में बनी हैं, जैसे कि सिन सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स, जिसमें एक्चुअली वो पिक्चर डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगेज ने डायरेक्ट की थी, पर उसमें लिखा आता था कि फ्रैंक मिलर्स सिन सिटी, विच वॉज वन ऑफ अ फर्स्ट टाइम ऑकरेंस कि किसी राइटर का इलस्ट्रेटर का नाम किसी फिल्म से पहले आएगा। तो वो बड़ा यूनिक था कि मतलब उसको इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया गया था उस पिक्चर में। बट द थिंग इज दिस लुक्स लाइक एट बेस्ट द बी ग्रेड वर्जन ऑफ गुड हॉलीवुड सिनेमा, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं या जिस तरह की स्टोरी है, आई डोंट थिंक इट वुड वर्क। बिकॉज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स था, गेम ऑफ थ्रोन्स की करीब 7 किताबें हैं और उन पे वो बेस्ड है, और काफ़ी रिसर्च मटेरियल है, उसको कंपाइल करके आपने एक सीरीज़ बनाई है। हैरी पॉटर के ऊपर बहुत सारा कॉन्टेंट था, आपने उसको कंपाइल करके बनाया। पर फ्रैंक मिलर की ये जो नॉवल है कर्स्ड, वो एक्चुअली अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। ये इन्होंने सिर्फ बोला था कि ये नॉवल रिलीज़ होगी एंड इवन आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि अच्छा कभी आएगी तो मैं पढ़ूंगा इसको। बट द थिंग इज़ कि ये जो कर्स्ड करके जो इलस्ट्रेटेड वर्जन है इस नॉवल का, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है,
और उसके पहले ही इन्होंने इसको फिल्म में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज दे नो कि फ्रैंक मिलर ने बनाया है तो इंटरेस्टिंग ही होगा एंड लुक्स इंटरेस्टिंग गुड थिंग्स कुड बी डन विद इट बट द थिंग इज कैथरीन लैंगफोर्ड दो शी इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस यंग एक्ट्रेसेस ऑफ हॉलीवुड राइट नाउ जब मैंने 13 रीजंस वाई देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा था मतलब बोरिंग लगा था जो मैंने किताब पढ़ी थी इवन आई डेंट फाइंड द बुक वेरी कंपेलिंग आई डोंट नो व्हाई इट बिकेम सच अ ह्यूज बेस्ट सेलर एंड लेटर उस पर चार पाँच सीजन मेरे ख्याल से तीन सीजन है या चार सीजन है जिस पर बनाए गए 13 सीजन वाई पे जो एक्सपेंड किए गए ज़बरदस्ती उसकी ज़रूरत नहीं थी पर बनाए गए और पीपल वर हेटिंग इट कि स्टूडियो उसको कैसे कमीशन कर रहा था कि बनाते जाइए बट द थिंग इज़ नेटफ्लिक्स पे है तो लोग देखेंगे इसको क्योंकि फिल्म है मेरे ख्याल से सीरीज़ नहीं है फिल्म है तो लोग देखेंगे इसको एंड अगेन द प्रॉब्लम इज़ विद द प्रोटैगनिस्ट कैथरीन लैंगफोर्ड डज नॉट साउंड एज कन्विंसिंग एज अ सुपर हीरो या तो वो करेक्टर ही श्रेक टाइप का होता कि जहाँ पर वो लूजर टाइप का करेक्टर है बट शी डिस्पाइट बींग ब्यूटिफुल शी लुक्स अ लिटिल बिट मोर चबी देन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ फाइटर टू बी एंड ऑल्सो द अदर कैरेक्टर्स जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं इसमें मतलब कि कोई कुछ स्टोरी बहुत ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आती है सिवाय इसके कि एक तलवार है एंड शी हैज़ टू सेव द वर्ल्ड देयर हैज़ बीन एट्रोसिटीज दैट हैज़ हैपेंड वही 16th century का जो आपका जोन ऑफ आर्क वाला सिनारियो था जिसमें अब जोन ऑफ आर्क शायद 16th century में थी 18th century में थी आई डोंट रिमेंबर बट जो उस टाइम पे होता था विच हंटिंग होती थी लोगों को मारा जाता था औरतों को जलाया जाता था उनको विच बोल के जलाया जाता था वो सारी चीज़ें इसमें मेरे ख्याल से इंक्लूड की गई हैं and it's amalgamation of history and basically bending down history into fiction which they might have been thinking it would look interesting and I think more time should have been given to develop this concept or trailer se khair bahut sari cheeze bata nahi sakte hain par jo graphics hain wo mujhe bahut zyada inspiring nahi lag rahi hai kyunki isse bahut zyada better graphics humne dekhi hain and bar bar dekhi hai matlab bahut sari filmon mein dekhi hai par ये उतनी इंस्पायरिंग नहीं लग रही थी ये ग्राफिक्स उतनी इंस्पायरिंग नहीं लग रही थी एंड देयर वाज नथिंग अगेन वेरी एक्साइटिंग आफ्टर सीइंग गेम ऑफ थ्रोन्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था उस तरह से इवन जो बैटल सीन्स हैं उसमें या जो 6th, 7th, 8th सीजन है वो जितना अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था आई डोंट थिंक देयर इज एनी इवन फिल्म्स आर नॉट दैट गुड एज गेम ऑफ थ्रोन्स लास्ट 3 seasons इतना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया था बिकॉज दे गॉट द मनी दे नो कि स्टेक्स बहुत हाई हैं और प्रोडक्शन हाउस HBO उनको पैसा भी दे रहा था बनाने के लिए तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी दे नो द मनी विल बी रिकवर्ड बिकॉज पीपल हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स एंड देन दे हैव दिस बुक वेयर दे नो द कैरेक्टराइजेशन वॉज वेरी गुड हियर द बेस्ट थिंग अबाउट एनी ट्रेलर हैज टू बी दैट इट्स कैरेक्टर शुड स्टैंड आउट द स्टोरी शुड not be told in proper manner but it should create an intrigue it should create a curiosity to watch that film right now personal this is my personal opinion matlab bahut logon ko ho sakta hai ye trailer pasand aaya ya no picture ko dekhe but for me I have seen this content and that is one curse of watching too many movies when you see too many movies then you just don't want to repeat the content you want to watch new content that is why I am watching malayalam cinema these days kal maine mohanlal ki bahut sari filmein dekhi thi which had unique content matlab srinivasan ke jo concepts hain srinivasan wahan pe ek writer hain jo kader khan jaise main kahunga ki srinivasan jo hai wo basically south ke kader khan hain jo acting bhi karte hain aur acting aur writing bhi karte hain bahut acha writing karte hain and he is very good at it so All these OTT platforms are creating the same content. They are playing very safe. मतलब वो इतना सेफ प्ले कर रहे हैं कि वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते उनको लगता है कि जो चीज़ ऑलरेडी चल चुकी है उसी को बनाते हैं बनाना चाहिए उसमें कुछ गलत नहीं है आपका जो आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो ठीक है आप वही कॉन्टेंट दोबारा दिखाओ बट पैकेज इट इन अ बेटर मैनर ना एटलीस्ट पैकेज इट इन अ बेटर मैनर आप वही चीज़ बार बार बनाते जाओगे तो ऑडियंस एक टाइम के बाद इरीटेट भी होने लगेगी पर अगेन ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है इट्स अ क्लोज्ड मार्केट कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग जाते हैं बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए हैं जैसे हुलू इंडिया में शायद अभी तक नहीं आया है और जो बाकी इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतना कचरा कंटेंट बना रहे हैं बिकॉज दे डोंट जस्ट हैव टाइम दे जस्ट असाइनिंग द वेब सीरीज एंड वो है कि जल्दी जल्दी उसको बना के किसी भी तरह बेचो बिकॉज दिस अश्योरिटी कि वो बिकेगा ही बिकेगा आपने 10 एपिसोड बना दिया आपको पता है कि वोट कहेगा यार कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है इसको डाल ही देते हैं जैसे रस भरी अमेजन प्राइम में डाल दिया कुछ भी नहीं है तो कुछ तो डाल ही दो मतलब There is no bar to which they are purchasing the content. They are purchasing any content right now, and they are creating anything right now. And there's desperation. Like earlier, जो पिक्चर बनती थी उनको साल दो साल लगता था एक पिक्चर बनने में इवन अभी बाहुबली आप देखोगे 5 साल लगा था बनने में उसको बट यहाँ पर क्या हो रहा है
आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हो, आप बड़े एक्टर्स हायर करते हो, बड़े एक्टर्स हैं वो साल में पूरे साल बिजी रहते हैं तो उनके पास ज़रा टाइम नहीं होता है, वो महीना दो महीना आपको देते हैं, आप जल्दी जल्दी उसको शूट करते हो और जल्दी जल्दी शूट करके उसको ख़त्म कर देते हो। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आप स्टोरी पे काम नहीं करना चाहते। अभी रिसेंटली मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा था, मतलब किसी ने मुझे अपनी वेब सीरीज़ भेजी थी कि यार ये वेब सीरीज़ पढ़ो, इसकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, इसको ज़रा ठीक कर दो। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड इट वॉज टेरेबल एंड ऑल द एपिसोड्स, मतलब उसमें 7 एपिसोड थे, 7 एपिसोड पढ़ने पड़े मेरे को। एंड सम एपिसोड्स वर 34 पेजेस लॉन्ग, सम एपिसोड्स वर 22 पेजेस लॉन्ग, सम एपिसोड्स वर 20 पेज लॉन्ग, इवन जो लास्ट एपिसोड था वो सिर्फ 20 पेज लॉन्ग था। एंड आई वॉज लाइक कि मतलब क्या है, मतलब किस कुछ भी बना दिया। एंड द प्रोड्यूसर वॉज गोइंग ऑन शूट एंड जस्ट बिफोर शूट समवन टोल्ड हिम द स्क्रिप्ट्स आर नॉट गुड, तो उसने मुझे भेजी कि यार इसको ठीक कर दो। मैंने कहा कि यार बियॉन्ड ठीक है, ये ठीक नहीं हो सकता, इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, महीना दो महीना इस पर बैठना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं उसके अंदर। बट ही डजंट केयर अबाउट दैट, ही इज़ लाइक कि नहीं शूट तय हो गया तो अभी शूट पे जाते हैं, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। एंड ही विल वेस्ट ऑल दैट मनी एंड लेटर व्हेन द सीरीज वोंट बी पिक्ड और बहुत ही कम रेट पे या तो दिखेगी या फिर वो लोग खरीदेंगे नहीं उसको, जो जैसा भी है, क्योंकि थोड़ी सी परवर्ट ड्रामा है वो, तो उसके बाद वो बोलेगा हाँ शितिज तू सही कह रहा था। बट उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मतलब बहुत लोग मेरे से बाद में आकर बोलते हैं शितिज तू सही कह रहा था, पर उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं सही कह रहा था गलत कह रहा था, जब टाइम पे आपने उस एडवाइस को नहीं सुना है तो प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि स्टोरी पे आपको ध्यान देना जरूरी है, आप जितना टाइम स्टोरी पे देंगे उतना ज़्यादा आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। आप कुछ किताबें पढ़ो, मतलब जो राइटिंग की किताबें हैं, जब मैं लगातार मेरे पास कुछ 2000 फिल्म बुक्स पड़ी हुई हैं जो मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ उसमें से निकाल के, तो अभी मैं कुछ रिसेंटली राइटिंग की किताबें पढ़ रहा था जिसमें ये बता रहे थे कि हॉलीवुड में एक टाइम में 200-300 पेज के ट्रीटमेंट नोट्स लिखे जाते थे, उसके बाद स्क्रिप्टिंग की जाती थी 100 पेज की। ट्रीटमेंट नोट आप समझ लो 200 पेज का क्या होता है, एक पूरी नॉवल हो जाती है, उतनी मेहनत करते थे वो लोग, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो आप समझ लो इतना सारे कंटेंट में से आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट निकालनी है छोटी सी, कितना इजी हो जाएगा उसके बाद। बट बिकॉज यू हैव सो मच कंटेंट, सो मच कैरेक्टर्स एंड सो मेनी ट्विस्ट एंड प्लॉट्स दैट यू कैन पिक योर बेस्ट मोमेंट्स फ्रॉम इट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट। एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट आई थिंक। यू जस्ट डोंट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग एंड थिंक ऑफ इट दैट इट इज गोइंग टू बी ग्रेट ह्यूज थिंग। फर्स्ट ड्राफ्ट पे ही वो लोग एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट तो उन्होंने मेरे ख्याल से सुना ही नहीं, मेरे ख्याल से अभी कोई सेकंड ड्राफ्ट तक जाते ही नहीं है। फर्स्ट ड्राफ्ट में जो भी राइटर लिख के दे दिया उसको वो एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। और डायरेक्टर भी इतना कॉन्फिडेंट है बिकॉज सबको पैसा कमाना है, तो डायरेक्टर भी सोचता है यार 2 महीने जाएंगे, 2 महीने घर बैठूंगा, सच शूट कर देते हैं। प्रोड्यूसर को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं सेट पर देख लूँगा कि कैसे शूट होता है। और यही इस वेब सीरीज के साथ हुआ जो मैं पढ़ने आता था, उसमें डायरेक्टर बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने कहा था कि मैं सेट पर देख लूँगा, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था तो आपको स्क्रिप्ट लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। आप समझ रहे हो, जरूरत ही नहीं है स्क्रिप्ट लिखवाने की, फिर आप अपने दिमाग से ही शूट करो उस चीज़ को। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स है कि पीपल आर इन टू मच हरी टू जस्ट क्रिएट कंटेंट एंड सेल इट बिकॉज दे आर रेडी टू बाय इट एंड सो यू कैन सेल इट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एनीवेज ठीक लगा ट्रेलर, कोई ऐसा खास नहीं था। अगेन देयर इज नथिंग आउट ऑफ द माइंड वाला सिनेरियो कि आपको देख के लगे यार बहुत ही भयानक टाइप का कुछ बना दिया है। नहीं, ये 1000 बार देख चुके हैं, 1000 बार हो चुका है। एक बार आपने कोई चीज़ देख ली तो अगेन वो आपके लिए बोरिंग हो जाती है। ये भी अगेन एक फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हो उसमें आपने पहले सीन में ही क्लाइमैक्स दिखा दिया, बहुत ही मेजर फाइटिंग दिखा दी, तो आप उसे लास्ट मोमेंट पर क्या दिखाओगे? आपको जो मेजर फाइट है वो आपको लास्ट सीन के लिए रखनी चाहिए, लास्ट क्लाइमैक्स रखनी चाहिए, ताकि वो हाई पॉइंट पर जाकर खत्म हो। तो हाई पॉइंट तो हमारा आ चुका है, हम इतनी ज़्यादा ग्राफिक्स दे चुके हैं। 1998 में हमने मैट्रिक्स देख ली थी, अब हम उससे ऊपर जाना चाहते हैं, पर उससे ऊपर कुछ मिल नहीं रहा है, उससे ऊपर सिर्फ एग्जीक्यूशन ही मिल सकता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ग्राफिक्स थी, VFX था, बहुत कुछ था, बट उसके अलावा उसमें एग्जीक्यूशन स्टाइल बहुत बढ़िया था, जो डायरेक्टर्स ने एग्जीक्यूट किया था वो बहुत अच्छा था, जो मेहनत की थी वो दिखती थी। एंड दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। एनीवेज दिस वॉज माई रिव्यू फॉर दिस नेटफ्लिक्स फिल्म कॉल्ड कर्स्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।